हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मौसम एकदम ठंडा सा चल रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल आज की जो साइंस का सेट टू पेपर, यानी कि अभी अभी जो 10th क्लास, आज 2 मार्च का दिन है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे करके आए हैं CBSE बोर्ड के बच्चे, तो उनका सेट वन का सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने सोचा कि सेट टू का भी आंसर शीट जो है प्रिपेयर कर दिया जाए, ताकि बच्चों को आसानी हो जाए मिलाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं तुरंत अपने आंसर की पे आऊँगा। सेट टू का जो पेपर कोड आपका देख रहे होंगे 31-2W2। हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पे आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर आगे। ये आपका सेट टू है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर पूरा मैंने डिनोट भी किया है, सेट टू पेपर है साइंस का, एग्ज़ाम है जिसका पर मैं बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को मैंने लिखेंगे। इसका हिंदी पार्ट जो है मैंने कट करके सीधा इंग्लिश पार्ट से, इसी वजह से जो है थोड़ा ज़्यादातर इंग्लिश में समझ पाते हैं, तो मैं कन्वर्ट कर दूँगा इसको हिंदी में भी, आप परेशान ना होंगे। तो सीधी सी बात है दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉजिस एंड सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अभी देखो दोस्तों, कई तरह की चीज़ कह रहा है। जैसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ऑल सक्सेडिंग मेंबर डिफरेंट बाई द CH2 यूनिट एंड मल्टी पॉइंट एंड वॉल्यूम इंक्रीज। ये सही है कि मॉलिक्यूलर पास इंक्रीज होने के साथ साथ वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एक बार चेक कर लेंगे आप छः बच्चे, सी और डी ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार चेक भी कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ शेल्स रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, नंबर पोटेशियम का आप देख रहे हो, तो जब आप लिखते हो ये क्या लिखते हैं, 2, 8, 10 हो गया, 9, यानी एक और 9 को, अब 9 ऐसे तो लिखा जाता नहीं है, लिखा जाता है 2, 8, 8, 1, यानी कि 4, टोटल 4 हमें जो है सेल्स की ज़रूरत पड़ी। यानी इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है, बता दूँ यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाता है, देख पाएंगे इसको, इसका जो ऑप्शन आपका हो जाता है सीधा सा फंडा है, ऑप्शन आपका देख पाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आप बता दूँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज। भाई सीधे सब आया था, सेट वन में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हो जाएगा बर्निंग ऑफ ऑयल, ठीक। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 भी सेट वन में था, आप देख पा रहे होंगे। ऑक्साइड विच कैन बी रिएक्ट विद HCl एंड KOH इज रिस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। भाई एक ही चीज़ रिस्पॉन्डिंग है, Al2O3, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड टिन। अलॉय पूछ रहा है कार्बन और टिन, भाई किससे है, तो ब्रॉन्ज है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। टूथ डीके बिगिंस एट ऑफ द pH। देखिए यहाँ पे इसका एग्जैक्ट तो 5.5 माना जाता है, लेकिन जो टूथ डीके बिगिंस कहाँ से स्टार्ट होता है कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 5.1 देखिए ऑप्शन नंबर ए से गया होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए सेम सेट वन में भी आया था। सॉलिड केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट वर्गलेज विद द वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय द लिब्रेशन ऑफ द हीट एंड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन द अबव इट मे बी इंक्लूड दैट दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों पहला वाला ऑप्शन ही सही था, उसमें भी देख पाएंगे थर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर देन 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका सेम था, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रेथ द पोजीशन इज रिब्स एंड डायफ्राम विल बी, यानी कि बी ऑप्शन है, जो भाई लिफ्टेड रिब्स होता है एंड फ्लैटेंड जो है डायफ्राम हो जाता है उसका। अच्छा, ये भी सेम क्वेश्चन है, देखेंगे सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ ग्लैंड नॉट अक्योर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी, यानी कि पहला ऑप्शन सही आता है, ऑप्शन नंबर ए। 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी है, बी और डी, यानी कि ये वाला और ये वाला क्वेश्चन जो है सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये थोड़ा सा देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट बाई द डायग्राम पर, चेक कर लेंगे आप थोड़ा सा, देख लेंगे इस क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन था इसमें, अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50%, ये सेम देखिए क्वेश्चन हो गया, 50% यानी टॉल भी है शॉर्ट भी है, तो यानी पहला वाला ऑप्शन ही सही जाएगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी।
13 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड डज नॉट डिपेंड, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे जो है सॉलिड हर्ट्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा 14 नंबर है कि भाई SI यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की क्या होती है, तो भैया यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन देख लेंगे ओम मीटर होता है। यहाँ पे देख रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ विच कैन बी यूज द 5 रजिस्टर 1, सीधी सी बात है 5 × 1/10 5 × 1/10 5 × 10 करोगे तो 10 एल से 10 आएगा, ये 1 1 1 1 5/10 हो जाएगा, 5/10 यानी 5 × 10 यानी 1/2 यानी पलट दोगे तो R इक्वल टू 2 यानी कि दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, क्लियर है। अच्छा 16 नंबर देखेंगे, इसमें ये भी चेक, इसमें भी ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, ए सी एंड डी ये चेक करेंगे। इसके बाद देखिए मैं बता दूँ कि इसमें देखिए ये है आपका क्वेश्चन पेपर, इससे बड़ी इजी इजी क्वेश्चन आएगा, तो देखिए डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें शो द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द क्रिस्टल्स, ये भी आया था, और सबसे इजी क्वेश्चन था ये वाला देखिए कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर इक्वल टू द बैलेंस, क्यों जरूरी होता है ये, कई बार क्वेश्चन ये कराया हुआ है आप लोगों को। अच्छा स्टेट यही चीज़ देखेंगे रिफ्लेक्शन, उससे पूछा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा हुआ है। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं अच्छे भी हैं, ये सेम क्वेश्चन सेट वन का ही आया हुआ है आपके पास देख सकते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिलते जुलते हैं इनके, एक आधे क्वेश्चन इधर उधर डिफरेंट गए हैं लेकिन सेट वन से भी ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इसको देख लेंगे अच्छे से, आपने आई होप आपने अच्छा ही किया होगा, MCQ का मैंने क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व करवा दिए हैं, उम्मीद है कि इसका पेपर भी आपने बहुत अच्छे से अच्छा किया होगा। दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ ही देर में सेट 3 में सॉल्व करके आपके पास ये सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।